हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक नई न्यूज निकल करके आ रही है, जो राजकीय पॉलिटेक्निक में पहले 2017 और 18 में प्राविधिक शिक्षा विभाग की तरफ से राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रधानाचार्य और प्रवक्ता के लिए कुछ पद आए हुए थे। ठीक है, कल की शाम में इन पदों को जो पहले 2017-18 में आ चुके थे, इनको वापस से निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें टोटल मिला करके आपके देखिए यहाँ पे टोटल 25 प्रकार दिए हुए हैं, 1 से लेकर के 25 तक, जिसमें आपके प्रधानाचार्य से लेकर के प्रवक्ता तक के जो पद हैं वो आपके दिए हुए हैं। ठीक है, और ये 25 प्रकार में टोटल आपको 1261 पदों पर ये भर्ती होनी थी। ठीक है, अब ये जो भर्ती है 1261 पदों की 25 प्रकार के लिए, इसको सरकार ने या शासन की तरफ से इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, कल आयोग ने इसका नोटिस जो है वो अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है इसको निरस्त होने का। और इसमें निरस्त होने का इसका कारण ये बताया जा रहा है कि AICTE ने जो 2010 में अपने नए रूल्स लागू कर दिए हैं, इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वेतनमान जो आदि बनाए गए हैं उसको लेकर के, तो इसलिए इसको निरस्त किया गया। और निरस्त होने का कारण यही 2010 नियमावली जो AICTE की है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है शासन द्वारा। ठीक है, तो ये कारण है जिसकी वजह से इसको निरस्त कर दिया गया है। और यहाँ पे नीचे देखिए, ये जो टोटल 25 प्रकार हैं, इनमें ये भी लिखा हुआ है कि उपयुक्त पदों के निरस्तीकरण के पश्चात शासन से प्राप्त प्रधानाचार्य, कर्मशाला अधीक्षक, पुस्तकालय अधीक्षक, प्रवस्ता, यानी अब इसमें प्रकार देखिए यहाँ लिखा हुआ 28 प्रकार, पहले ये 25 थे, अब 25 से इसको 28 प्रकार में हो जाएगा। यानी कि जो 25 ये अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी आ रही थी, अब ये 28 डिपार्टमेंट की हो जाएंगी। और इसमें 109 पद और जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो जो 1261 पद अभी तक टोटल थे, इस 1261 के बजाय अब इसमें 109 आप और जोड़ ले रहे हैं, तो टोटल आपका 1370 हो जाएगा। ठीक है, यानी अब जो नई वैकेंसी आ रही है, इसका एडवर्टीजमेंट जब वापस से आएगा तो ये 1370 पदों का आएगा। हालांकि आज का जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है उसमें थोड़ा सा एक और चीज दी गई है कि प्रवक्ता के टोटल मिलाकर के हो सकता है कि आपके 2400 पद हो जाएं। ठीक है, जहां तक ये है, क्योंकि 2018 के बाद जो वैकेंसी है वो अभी तक आई नहीं, और अभी तक आई नहीं, लगातार जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाने वाले जो वहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, ये सब लगातार रिटायर हो रहे हैं, तो वैकेंसी जो है वो आगे आ नहीं रही है। तो ये सारी वैकेंसी जो है, जो पहले रिटायर्ड हो चुके लोग हैं उन्हीं से ये पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए इनकी पदों की संख्या जो है वो अभी भी बढ़ सकती है। हालांकि अध्याचन यहाँ पे दिया जा रहा है 1370 का, कि 1370 पदों की ये वैकेंसी अभी नया इसका एडवर्टीजमेंट फिर से जारी हो जाएगा। और ये एडवर्टीजमेंट विद इन 1 वीक आपका आने की उम्मीद बताई जा रही है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात ये है कि इसमें अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होना बाकी है, कि जैसे जो लोग पहले फॉर्म भर चुके हैं, क्या उन लोगों से वापस से अगर ये एडवर्टीजमेंट आएगा तो उनसे पैसे लिए जाएंगे कि नहीं, या उनकी फीस बढ़ाई जा सकती है कि नहीं। एक जो सबसे बड़ा मसला इसमें है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जिस समय ये फॉर्म भरे होंगे उस समय वो एज में एलिजिबल होंगे, हो सकता है कि वो इस समय ओवर एज हो गए हों। तो जो ये अभी नोटिफिकेशन डाला गया है, इस नोटिफिकेशन में कहीं भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ओवर एज को लेकर के क्या इनका सरकार का रुख रहने वाला है। वैसे मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि जो लोग पहले से ही यहाँ पे फॉर्म डाल चुके हैं उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, कि ये आप री एडवर्टीजमेंट इसका देंगे तो ये होना चाहिए। बाकी इसमें जो AICTE 2010 की नियमावली है, डिप्लोमा जो ये आपके लेक्चरर्स के लिए है, इसको लेकर के हम अपने अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से उसकी क्या नियमावली है और क्यों ये आपका जो 2017-18 का एडवर्टीजमेंट था इसको क्यों निरस्त किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, दूसरी बात ये कि अब आप ये समझ लीजिए कि इसका एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो ये भी मान के चलिए कि इसका एग्जाम आगे आने वाले 3 से 3.5 महीनों के अंदर कहीं ना कहीं इनको कराना है। ठीक है, और ये चुनाव जाने से पहले पहले ये एग्जाम जरूर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप जितने भी लोग हैं, क्योंकि इसमें पिछला वाला जो एडवर्टीजमेंट आया था उसमें एग्जाम की बात कही गई थी, तो हो सकता है कि इसमें एग्जाम आगे भी यही हो। तो अगर एग्जाम होते हैं तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से पहले से प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि आगे हो सकता है कि आपको उतना टाइम ना मिले। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने AICTE के, जो भी ये नाम उन्होंने चेंज किए हैं कि क्या इसमें क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।